Hey guys, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो NCC Journey YouTube चैनल। Basic Powdering Course, ये कैंप NCC का बहुत ही एडवेंचरस कैंप है और बहुत ही डिमांडिंग कैंप है। इस कैंप को काफी कम कैडेट्स कर पाते हैं। रीजन ये है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए क्लिप देखते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि बेसिक पाउंड्रिंग कोर्स कैंप होता क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, एंड आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उस चीज में। अभी ये क्लिप देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता क्या है। तो चलिए फिर इस कैंप के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो बेसिक माउंटेनिंग कोर्स है, जैसा कि इसके नाम से हमको समझ में आ रहा है, माउंटेनिंग का एक बेसिक कोर्स, ठीक है। एंड ये जो कोर्स है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में होता है। अब ये इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पर है वो हम पहले समझते हैं। तो इंडिया में टोटल 4 इंस्टीट्यूट्स हैं। पहला आता है नेहरू इंस्टीट्यूट्स ऑफ माउंटेनिंग, जो कि उत्तरकाशी में है। सेकंड आता है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जो कि दार्जिलिंग में है। थर्ड नंबर पे आता है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, जो कि मनाली में है। एंड फोर्थ नंबर पे आता है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, जो कि फलगाम में है। तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर हर साल बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कैंप्स कंडक्ट होते हैं। एंड उन्हीं कैंप्स के साथ में एनसीसी के कैडेट्स को अटैच कर दिया जाता है रिस्पेक्टिव कोर्स के लिए। तो हर साल एनसीसी 2 कोर्स कंडक्ट करता है, एक बॉयज के लिए एंड एक गर्ल्स के लिए। एंड ये जो टोटल वैकेंसीज होती हैं इन दोनों कोर्सेज की वो अराउंड 350-356 होती है। एंड ये जो वैकेंसीज हैं इनका डायरेक्ट अलॉटमेंट होता है रिस्पेक्टिव बटालियंस में। जैसा कि हमको पता है कि इंडिया में 850 प्लस बटालियंस हैं एनसीसी में, तो अब वैकेंसी सिर्फ 356 हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हर बटालियन को वैकेंसी नहीं मिल पाएगी। तो ये जो सर्कुलेशन है ये चलता रहता है कि अगर इस साल किसी बटालियन को वैकेंसी नहीं मिला है तो हो सकता है उसको नेक्स्ट ईयर मिल जाए। तो ये जो माउंटेनिंग के कोर्स हैं ये भी 4 लेवल्स में डिवाइड होते हैं। तो लेवल 1 पे आता है बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, लेवल 2 पे होता है एडवांस माउंटेनिंग कोर्स। अब क्वेश्चन ये है कि इस कैंप की शुरुआत क्यों करी गई। सो 1970 में बेसिक माउंटेनिंग कोर्स को एनसीसी में इंडक्ट किया गया एंड तब से अभी तक एनसीसी 75 कोर्स कंडक्ट कर चुका है। एंड आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि 2013 में एनसीसी सीनियर डिवीजन कंटिजेंट ने माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम कर चुका है एंड सिमिलर फॉर एसडब्ल्यूज इन 2016। तो अब बात करते हैं इस कैंप के सिलेक्शन के ऊपर कि इस कैंप का सिलेक्शन कैसे होता है। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर आपको बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करना है तो आपका फिजिकल फिटनेस, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो
इस कैंप का जो कंप्लीट सिलेक्शन होता है वो आपके फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। तो इस कैंप का जो कंप्लीट सिलेक्शन है वो आपके फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। सपोज आपके बटालियन में वैकेंसी आता है एंड वो बटालियन उस वैकेंसी के बारे में सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो एक वैकेंसी है एंड 15 वॉलंटियर या 15 से 20 वॉलंटियर कैडेट्स हैं, तो अब सिलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा? तो सभी कैडेट्स का पीएफटी कंडक्ट होगा। पीएफटी मींस फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो सभी कैडेट्स का पीएफटी कंडक्ट होगा एंड पीएफटी करने के बाद में जो भी रिस्पेक्टिव कैडेट्स सिलेक्ट होंगे, सपोज आउट ऑफ 20 उन्होंने 3 कैडेट्स को सिलेक्ट कर लिया एंड अब 3 कैडेट्स का कमांडिंग ऑफिसर एक इंटरव्यू लेंगे एंड उन 3 में से 1 को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से कुछ सिलेक्शंस होते हैं। एंड ये जो पीएफटी होता है इसके अंदर होता क्या है, तो बेसिकली रन होता है, 4 किलोमीटर रन, स्क्वाट्स, पुशअप्स, सिटअप्स, पुलअप्स, चिनअप्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप लोगों का इंटरव्यू होगा एंड आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो। अब जो भी कैडेट सिलेक्ट होते हैं वो माउंटेनिंग कोर्स करने किसी भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। जैसा कि हमने बता चुका है कि 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप चारों में से किसी में भी जा सकते हो जहां पर वो कोर्स अभी चल रहा होगा। अब अगर आप बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर फ्रीक हैं तो आप इस कोर्स को खुद भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको फीस देनी पड़ेगी एंड इसकी जो बेसिक माउंटेनिंग कोर्स की जो फीस है वो अराउंड 20-25,000 होती है। बट NCC के थ्रू आप करते हैं तो सारे एक्सपेंसेस आपके गवर्नमेंट देती है एंड आपको बिल्कुल सिर्फ कैंप अटेंड करना होता है। अभी जो कैंप है इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 40-45 डेज तक का हो सकता है एंड ये जो ड्यूरेशन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज है लर्निंग फेज एंड सेकेंड फेज है एग्जीक्यूशन फेज। तो लर्निंग फेज में बेसिकली आपको सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा, आपके स्किल्स डेवलप किए जाएंगे कि माउंटेनिंग में होता क्या क्या है, रॉक क्लाइंबिंग कैसे करना है, नॉट्स कैसे बांधने हैं, सेफ्टी कैसे कर रखना है एंड बहुत सारी चीज़ें। तो जो आपका फर्स्ट 20-25 डेज का जो पीरियड है, अराउंड एग्जैक्ट तो नहीं पता है मेरे को, तो उसके बाद में आपका एग्जीक्यूशन आता है एंड फिर आप जो कैंप्स हैं माउंटेनिंग के जो कैंप्स हैं उनमें जाते हो एंड वहाँ पे माउंटेनिंग की प्रैक्टिस करते हो, किसी छोटे से पीक पे क्लाइंब करते हो एंड उस जो भी कैडेट्स उस कैंप पीक को सक्सेसफुली क्लाइंब कर लेते हैं उनको एक एक्स, मिनिएचर एक्स प्रोवाइड किया जाता है जो ये शोट करेगा या जो ये डिपेक्ट करेगा कि इन्होंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कैंप कर चुका है एंड एक सर्टिफिकेट भी मिलता है उस इंस्टीट्यूट से जो ये सर्टिफाई करेगा कि आपने ये कैंप कर चुका है। एंड यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, तो जो भी कैडेट्स इस कैंप को कर लेते हैं उनको सी सर्टिफिकेट के लिए 25 बोनस मार्क्स मिलते हैं एंड एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है, वो ये है कि बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करने वाले कैडेट्स ही एडवांस माउंटेनिंग कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। तो सपोज दैट नेक्स्ट ईयर एडवांस माउंटेनिंग कोर्स आता है एंड आप अभी बी सर्टिफिकेट में हो तो आप एडवांस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के बारे में सिर्फ इतना ही है एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड जिस कैंप के बारे में आप वीडियो चाहते हो उस कैंप का नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ, जय हिंद।